हेलो यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल? होप वी आर डूइंग वेरी वेल। अभी हम लोग हैं शुक्ला टीवीएस भदोही। तो अभी आप हमारे पीछे देखते हैं बहुत सी बाइक्स खड़ी हैं, लेकिन आपको बता दें जो इंडियन यूथ के दिलों पे छा जाने वाली बाइक है वो है अपाची 160। और अभी हमारे पास ये मॉडल है 164V। और ये देख सकते हैं, तो आइए आज आपको इसका रिव्यू करके दिखाते हैं। तो चलिए अब आपको हम दिखाते हैं बैक कैमरे से। तो अभी देख सकते हैं ये जो मॉडल है, ये आप देखिए, ये E20 लिखा हुआ है, यानी कि ये जो एथेनॉल 20% वाला जो नया पेट्रोल डिजाइन किया गया है वो उससे कंपेटिबल है, और हो सकता है जल्दी ये हमारे मार्केट में अवेलेबल हो जाए पेट्रोल। बाकी अभी आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ देखिए ये आई बटन है, यहाँ पर इसको जो आप मीटर कंसोल में जो स्विच करने के लिए है, और इसके अलावा यहाँ पर पास डीपर है और यहाँ पर पासिंग स्विच। बाकी मोड बटन से आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप रेसिंग मोड, रेन मोड, इसके अलावा और भी जो मोड से देख सकते हैं। यहाँ पर मीटर कंसोल आप देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया है, ये देखिए, तो अभी देखेंगे आप यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन लुक है RPM का। यहाँ पे स्पीड आपको दिखाई देगा और यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। यहाँ पे अगर आपको मीटर कंसोल के कंट्रोल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको देखिए एक EM स्विच मिलता है, एक यस स्विच, तो बहुत कुछ चेंज होता है। जैसे देखिए नेक्स्ट सर्विस का यहाँ पे इंडिकेटर आ जाएगा, इसके अलावा एवरेज स्पीड जो है, और यहाँ पे नेक्स्ट सर्विस एवरेज स्पीड, और यहाँ पे लैप टाइमर है, आप टाइमर लगा के भी चला सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हाईएस्ट स्पीड जो है यहाँ पे पूरा दिखाया गया है। इसके अलावा यहाँ से अगर अभी देखें अर्बन राइडिंग मोड में है, ये यहाँ से मोड का आप जब चेंज करेंगे तो ये स्पोर्ट मोड में आ गया, और ये एक रेन मोड है। तो यहाँ पर आपको तीन तीन राइडिंग मोड्स मिलने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें, ये जो है अपाची जो बाइक है 164V, कंपनी ने इसका क्लेम किया है कि ये 113 to 114, 120 तक चली जाएगी इसकी स्पीड, लेकिन जो आपको बता दें रियल लाइफ में टेस्टिंग के दौरान बहुत लोगों ने पाया है, इनफैक्ट मैं भी एक बार राइड किया था, तो ये 130 to 140 तक आप ले जा सकते हैं। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो हम खुद इसका स्पीड टेस्ट आपको करके दिखा दें, जिससे हमने और भी बाइक्स की है, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगर बात करें कलर ऑप्शंस की, तो आप यहाँ देखिए ये वाइट कलर है, और यहाँ पर आपको जो अलॉय व्हील मिलेगा वो रेड, बैक वाला रेड, और फ्रंट वाला आपको ब्लैक मिलेगा। इसके अलावा आपको एक मैट ब्लैक मिलेगा, आप देखिए इसमें दोनों अलॉय जो हैं रेड मिलेंगे, और स्मार्ट कनेक्टिविटी के साथ दोनों, सभी 164V में दोनों में स्मार्ट कनेक्टिविटी है सब में। और एक देखिए वहाँ पे आपको ग्लॉसी मिलेगा, ग्लॉसी ब्लैक यहाँ पर है, और इसके अलावा ब्लू भी है, और उसके पीछे रेड भी है, आप यह देखिए। ये रहा ग्लॉसी रेड, आपको इसमें जो है दोनों अलॉय आपको ब्लैक ही मिलेंगे देखने को, और ये रहा ब्लैक, ये है ग्लॉसी ब्लैक, इसमें दोनों अलॉय ब्लैक मिलेंगे। दोस्तों ओवरऑल लुक के बारे में बात करें, देखिए बाइक कुछ इस तरह लगती है यहाँ पे, अभी देखिए वहाँ पे खड़ी है इधर, और ऊपर से ऐसा कुछ बढ़िया लगता है। इसके अलावा बात करें यहाँ पे एग्जॉस्ट के बारे में, तो पहले जो डुअल बैरल एग्जॉस्ट हुआ करता था, कंपनी ने अब उसको हटा के यहाँ देखिए सिंगल बैरल कर दिया है, और सिंगल बैरल होने की वजह से ये काफ़ी इतना थिक है, इसकी वजह से इसका जो है एग्जॉस्ट काफ़ी बेसी है और काफ़ी लाउड भी है, तो हम आपको अभी सुनाने वाले हैं, तो आप ये देखिएगा। अभी यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए कूलिंग के लिए यहाँ पर रेडिएटर भी दिया गया है, यहाँ पर ये जो जाली है इसका काम ये होता है दोस्तों, अंदर हवा जो जाए पूरा ये इंजन को देखिए ठंडा रखता है। और यहाँ पर ये इंजन है, ये 164V का काफ़ी रिफाइंड इंजन है, 2V के कंपैरिजन में आप बता दें ये जो बाइक है यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, इसके अलावा स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा उसके कंपेरिजन में देती है। ये देखिए यहाँ पर आपको रियर व्हील में जो है आपको सिंगल चैनल डिस्क, इसके अलावा फ्रंट व्हील में भी आपको सिंगल चैनल डिस्क देखने को मिलेगा,
और ये डिस्क है नहीं केवल, ये ABS है, आप यहाँ देखेंगे ABS लाइट ऑन है। दोस्तों ये देखिए, ये है शुक्ला TVS, जिसका एक लोकेशन आप देखिए ये है, आप सामने देखेंगे राजपुरा चौराहा और इधर ये रोड चला जाता है नेशनल चौराहा, तो यहाँ पे ये लोकेशन है इसका। और यहाँ पे आपको TVS की सभी बाइक्स मिल जाएंगी, TVS अपाची 160R4V और TVS रोनिन रेडर सब कुछ मिल जाएंगे। आप यहाँ पर ज़रूर चेकआउट करिएगा, काफ़ी बढ़िया जगह है, आप यहाँ पर आएँगे अच्छे प्राइस पॉइंट पर आपको मिल जाएगा।